चलिएगा मैथ्स के अंदर 11th मैथ्स में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, या आपने इसका कुछ पार्ट 10th में भी पढ़ रखा है, जिसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मोड मीडियन वगैरह सब निकाला था। ठीक है, आज थोड़ा सा वापस एक बार मीन देखकर इसमें मेनली दो टॉपिक डिस्कस करने होते हैं, एक तो मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो दो चीजें इसके अंदर डिस्कस करनी होती है, तो सोचा पहले एक बार वापस क्विकली थोड़ा सा मीन डिस्कस करते हैं। हालांकि आपने 10th में डिस्कस 10th में पढ़ रखा होगा, फिर भी एक बार कुछ चीजें मीन के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, मीन या एवरेज या फिर एवरेज कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला तो यही है कि सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है, क्लास में किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, उसका मीन निकाला जा सकता है, क्लास में कोई जितने स्टूडेंट्स है उसकी एज एक डेटा हो सकता है, तो मीन के लिए कोई सभी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास जैसे मान लीजिए डेटा है 1, 2, 1, 4, 3, 6, 7 या 5, ये कुछ डेटा है, आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई डेटा एक्स आई है, तो एक्स बार मीन, मीन एक्स बार बराबर ही हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज 1 + 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वांटिटीज होगी। तो कितना हो गया ये देखिएगा 2, 3, 4, 8, 11 और 11, 22 तो 22 अपॉन 7। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मान लीजिएगा एक और, तो ये सबसे सिंपल तरीका है मीन निकालने का, लेकिन ये वाला तरीका अगर डेटा कम हो तो यूज में ले सकते हैं। अब सेकंड चीज और, अब मान लीजिए आपके पास डेटा है ये, इसका मीन निकालना है, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 3, 4। अब जैसे इसका मेन निकालना है, तो एक तरीका तो वापस यही है, सबका ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितने भी क्वांटिटीज है उससे डिवाइड कर दो। तो पहला तरीका तो यही है कि 1 प्लस इस तरह से करेंगे, 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + इस तरह से करो और जितने भी टोटल क्वांटिटीज है उसे डिवाइड कर दो, एक तरीका तो ये है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, देखिएगा इसमें क्या करें। अब तो जैसे ये डेटा देखो है, कौन कौन सा डेटा है, जहां पर भी डेटा रिपीट हो रहा है फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा, तो फिर डेटा को एक कॉलम में बना लीजिएगा। देखो कौन कौन सा डेटा, मान लीजिए डेटा को एक्स, दूसरा एग्जांपल डेटा एक्स है, तो एक्स आई, ठीक है ना, एक्स आई के देखिएगा क्या क्या है, कौन कौन सा डेटा, देखो एक तो है 1 और कौन सा देखो 2 और आ रहा है 3, 4, 5, 6 भी है और 6। अब उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो कि कितनी कितनी बार आ रही है। अब देखो 1 कितनी कितनी बार आ रहा है, देखो ये हो गया आपके लिए 1, देखें तो ये 1 आगे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स, तो ये आ गया 9 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और 2 कितनी बार आ रहा है देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स आ रहा है 2। 3 कितने टाइम्स आ रहा है देखो 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ रहा है। 4 कितने टाइम्स आ रहा है देखिएगा 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ रहा है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है देखिए, इधर कहीं पर भी नहीं, ये रहा है 1 टाइम्स आ रहा है, और 6 भी 1 टाइम्स आ रहा है।
अब जब सबको क्वांटिटीज करते हैं तो 1+1+1 कितनी बार ऐड करना पड़ता हमको 9 टाइम्स, तो क्यों ना इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर एक टेबल में और बना देता हूं कि मतलब एफ आई एक्स आई, तो बताइएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये डेटा कितना आ गया 9। इसको देखें ये कितना हो गया 14 12 16 5 6। इसका मतलब 1 को 9 बार ऐड करो या डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया। 2 को 7 टाइम्स ऐड करो या 2 into 7 कर दो 14। तो यहां पे जो ये डेटा है ये 1 9 टाइम्स जुड़ गया है, यहां पर ऐड हो चुका है। ये जो 2 7 टाइम्स जो ऐड करना था डायरेक्टली यहां पर 14 ऐड हो गया। तो बताइए इन सब का टोटल, मतलब इसका टोटल ही कर लेना सिर्फ, तो समेशन एफ आई एक्स आई इन सब का टोटल, मतलब अपने आप को सारे का टोटल आ जाएगा। और इसके टोटल समेशन एफ आई इसके टोटल मतलब 1 कितने टाइम्स आ गया 9 टाइम्स आ गया, 2 कितने टाइम्स आ गया 7 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की टोटल हो जाएगी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये कितना हो गया देखिएगा 09 कर दीजिएगा 62, ठीक है। और ये कितना आ गया देखिएगा तो 9 16 20 26, ठीक है। तो x बार, अब x बार निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब ये हो गया इनका सम, ठीक है। तो ये वो कितना हो गया समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो हमारे लिए एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एफ आई एक्स आई, तो ये कितना हो गया 62 अपॉन समेशन एफ आई 26, या 2 से डिवाइड कर लीजिएगा अपॉन 13, ठीक है। तो ये डेटा बन गया एक और, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली टेबल फॉर्म में दे रखा है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक और देखिएगा, इसमें देखिएगा इस डेटा को एक तरह से और भी कर सकते हैं, सॉरी एक अलग क्वेश्चन एक और बनेगा देखो। डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो ये अभी टेक्निक डायरेक्टली इस तरह से डेटा दे दे, मतलब इस तरह से अरेंज कर किया हुआ ही आपको मिल जाए तो डायरेक्टली ये वाली टेक्निक होगी। एक इसमें एक इंटरवल की फॉर्म में दे दे, जैसे एक्स आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40 और 40 टू 50, ये डेटा दे दिया। और अब इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी एफ आई कि मान लीजिए कोई क्लास के अंदर, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स का अपने को सम निकालना है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं, हो सकता है 2 स्टूडेंट्स हो, 10 से 20 वाले 4 स्टूडेंट्स हो, ये 3 स्टूडेंट्स हो, ये 2 स्टूडेंट्स हो, ये मान लीजिएगा 1 स्टूडेंट्स हो, ये सब, ठीक है। अब इसका जैसे अगर मान लीजिएगा मेन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लीजिएगा पहले, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे लेंगे, तो वो हमारे लिए मिड पॉइंट एक्स आई वो बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब 0+10/2 मतलब कितना हो जाएगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट तो कितना हो गया इसका 5 15 25, ये हो गया 35, ये हो गया 45, ठीक है। तो अब आप वापस निकाल लीजिए कोई एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ही होगी आपके लिए 10, ये होगी 60, ये होगी 75, ये हो गई आपके 70 और ये हो गई 45। और इसके लिए इस तरह से निकाल लीजिएगा समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना हो गया ये 4 6 9 10 12 और ये हो गया 5 5 10 2
12, 19, 20, 26. तो अब की बार x मार कितना हो गया, समेशन f i x i अपॉन समेशन f i, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 260/12, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और भी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें अभी तक यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसका एक मेथड और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको तो हमने डायरेक्ट मेथड भी कहा होगा 10th क्लास में, x बार बराबर समेशन fi या fi x i अपॉन समेशन fi, ये डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके थोड़ा सा एक लॉजिक और बनाते हैं। देखो, ये डेटा दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं हमको। अगर दे रखा है तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट बनाना है, उसके बाद में ही सारी चीज। अब इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, ठीक है, सिर्फ इन डेटा से मतलब है, और ये वाला एक मेथड, ठीक है। अब एक बार सुनना, कई बार ये होता है कि डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो, ठीक है। या फिर एक काम करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, चलिए इसी क्वेश्चन को से आंसर निकालते हैं कि डेटा मान लीजिएगा बहुत बड़ा हो गया डेटा, और ये कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो फिर क्या करो आप, चलो इसको तो आप अलग से मैं लिख देता हूं, इसको यहां पर फिट कर देता हूं कि x बार बराबर कितना आ गया आपके पास, मतलब 260/12, ये आंसर आ रखा आपके पास, ठीक है ना, ठीक। अब देखो इसको नए डेटा में क्या करते हैं, एक जिसको सॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं, कि डेटा को चेंज कर दो, ठीक है। मान लीजिएगा कोई नया डेटा लिख लेते हैं वाई आई बराबर, जिसको आप शायद एज्यूम मेथड भी कहते होंगे। तो क्या करेंगे, कोई एक चीज को एज्यूम कर दो, फॉर एग्जांपल जैसे इसको कुछ एज्यूम कर लिया, लगभग सेंटर वाली चीज ले लेते हैं, जैसे कितने 5 डेटा है तो लगभग सेंटर वाला, अगर 6 डेटा हो तो या तो थर्ड वाला ले लेना या फोर्थ वाला, लगभग लगभग सेंटर वाला ले लेना, ठीक है। इसको मान लिया ए, ठीक है ना, इसको मान लिया ए, और वाई आई बराबर ये लिख देते हैं कि सपोज वाई आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो वाई आई की वैल्यू क्या क्या होगी देखिएगा, बताओगे इसका मतलब, वाई आई बराबर क्या क्या हो गया देखिएगा, एक्स आई माइनस ए तो 5 - 25 माइनस का 20 वाई ए, मतलब ये हो गया -20 - 10 0 +10 + 20, ये हो गया डेटा वाई आई, ठीक है। और भी डेटा अगर छोटा बनाना है तो और बना सकते हो, देखो वाई आई जेड आई बना लो, जेड आई बराबर, मतलब देखो सब में 10 से डिवाइड हो जाएगा, डेटा और भी छोटा हो जाएगा, तो जेड आई बराबर लिख दिया जैसे वाई आई अपॉन एच, और सपोज एच की वैल्यू रख देते हैं 10, एच डिवाइड कर दिया तो मतलब वाई आई अपॉन 10। अब अगर देखो जब मैं 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया -2 - 1 - 0 - 1 - 2, ये बन गया डेटा आपके पास। अब देखिएगा ये डेटा बन गया छोटा, ताकि कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो अब आप इस डेटा का मीन निकाल लो, ठीक है ना। तो इसका मीन निकालना है तो जेड बार निकाल लेते हैं, जेड बार निकालना है अगर, तो जेड बार बराबर कैसे निकालोगे आप, सबमिशन एफ आई जेड आई अपॉन सबमिशन एफ आई, सबमिशन मतलब 1 to n तक है वो जितने भी डेटा, ठीक है। तो एफ आई जेड आई की डेटा निकालो, एफ आई जेड आई, तो ये रहा एफ आई, ये रहा जेड आई, तो ये कितना हो गया -4, ये भी हो गया -4, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये भी हो गया 2। तो टोटल कर लीजिएगा, सबमिशन एफ आई जेड आई बराबर कितना हो गया, देखो -4, ये हो गया +4, कैंसिल आउट -4, ठीक है। तो ये हो गया -4 अपॉन और 12, ठीक है। तो जेड बार की वैल्यू आ गई है -1/3 कर लीजिए मैंने, ठीक है। अब लेकिन निकालना तो एक्स बार है ना आपको,
ठीक है। तो अब देखो एक्स बार कैसे निकालेंगे, चलो इसको भी बॉक्स में बंद करो पहले, ठीक है। अब कैसे निकालना, देखो जेड आई बराबर क्या रखा आपने, वाई आई अपॉन एच, एच का मान है 10। अच्छा वाई आई की जगह क्या रखा था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स बार निकालना तो पहले एक्स आई देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एच इंटू जेड आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो ए को इधर ले आओ, तो एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस एच जेड आई, या एच जेड आई प्लस ए, ये बन गया एक्स आई, ठीक है ना। अब तो इसका मतलब फिर एक्स बार निकालना है ना सर, तो एक्स बार हो जाएगा आपके लिए एच जेड बार प्लस ए, एच जेड बार प्लस ए, ठीक है। तो जेड बार निकाल चुके हैं, अब एच से सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ ए से एड करना पड़ेगा, बिल्कुल कैलकुलेशन कम हो गई, और ये था एक्स बार। देखिएगा फिर एक्स बार बराबर एच कितना था, मतलब जिसे डिवाइड किया 10। अच्छा इस एच का इस एच से इस इंटरवल से कोई लेना देना नहीं है, टेंथ क्लास में जो आप करते थे शायद इंटरवल ये लिखते थे, ध्यान रहे इस इंटरवल का इस एच से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट। जब भी मीन निकालेंगे तो उनको इंटरवल से मतलब ही नहीं है, मीन में इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, बस इक्वल इंटरवल होना चाहिए और इसका मिड पॉइंट निकालना है, इससे मतलब है, तो इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, या एच जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है, अगर मान लीजिएगा 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 वाला हो जाएगा। अच्छा डिवाइड करना भी कोई जरूरी नहीं है, डेटा को और जब कैलकुलेशन और कम करना है तो डेटा को जिससे भी अगर छोटा करना है, ठीक है, तो जितना स्मॉल डेटा होगा कैलकुलेशन उतनी कम होगी, मान ली इसलिए 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 10 से कर दिया, अगर यहाँ पे और किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा होता तो हम उससे कर देते, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो माइनस तो एच जेड बार, एच की वैल्यू होगी 10 और जेड बार की वैल्यू कितनी है, माइनस 4, सॉरी जेड बार की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 12 प्लस ए, और ए की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी 25, यू हैड 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिएगा, माइनस 40 अपॉन 12 प्लस 25, ठीक है। तो ये अभी जैसे करें 4 से डिवाइड कर लो तो माइनस 10 अपॉन 3 प्लस 25, या 3 एलसीएम ले लिया तो माइनस 10 प्लस 75 कितना हो गया 65 बाई 3, ये आ गया एक्स बार, ठीक है। इसमें भी देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 से डिवाइड कर लिया, So, 205 अपॉन 3, देखिए 65 अपॉन 3, ये आ गया डेटा, ठीक है। इसी का 10th में नाम है स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। अच्छा मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं, आपके पास जो मेन निकालना है आप मेन निकालने के लिए किसी भी मेथड से निकालो, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी मेथड से निकालो। ये मेथड देखने में थोड़ा सा इजी दिखता है, डायरेक्ट मेथड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है कई बार, इसीलिए ये मेथड यूज में ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यही मेथड यूज में लेना है, कैलकुलेशन कम करने के लिए सीख रहे हैं, बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जहां मेथड अगर कैलकुलेशन कम हो रही हो तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सिर्फ वाई आई से निकालना है तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, जैसे अगर केवल वाई आई से निकालना है, जैसे मैं इसमें शो कर देता हूँ, केवल वाई आई से डेटा निकालना है तो आप ये लो एफ आई वाई आई निकाल लो, तब भी आंसर आ जाएगा, देखो एफ आई और ये रहा वाई आई, कितना हो गया देखिए माइनस फोर्टी जीरो वाई आई 20 और 20 सबमिशन एफ आई वाई आई, तो देखो माइनस का 40 ये हो गया 40, तो माइनस का 40। तो अगर ये निकालना है आपको
y बार निकालना है तो y बार क्या हो जाएगा समेशन fi yi अपॉन समेशन fi, तो कितना हो गया देखिएगा माइनस का 40 अपॉन समेशन fi हो गया 12, या y बार की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 10/3। अब yi आपको निकालना भाई x बार है, ठीक है, तो yi बराबर आपके पास क्या है xi माइनस a, yi बराबर xi माइनस a, इसका मतलब a को इधर ट्रांसफर कर दो तो a प्लस yi, ये वैल्यू किसकी बन गई xi की, ये बन गई xi की, तो x बार क्या हो जाएगा फिर a प्लस y बार, तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस 10/3 75, ये हो गया 65/3, ये हो गया, ठीक है। और या फिर अगर सिंपल वे में देखें तो ठीक अपोजिट कर रहे हैं, देखिएगा डेटा में सबसे पहले yi में कन्वर्ट किया तो क्या किया सब्सट्रैक्ट किया पहले, फिर उसके बाद में डिवाइड किया, तो ठीक अपोजिट प्रोसेस। तो देखो जो भी z बार निकला ना उससे पहले डिवाइड करके तो वापस इधर चले तो पहले मल्टीप्लाई किया देखो z बार को, फिर उसके बाद में जो सब्सट्रैक्ट किया था वापस ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मेथड है, ये स्टेट डिवीजन मेथड है, ठीक है। हालांकि मेन निकालना आपने सारा टाइम में सीख लिया है, मैंने सारा रिपीट किया है, रिवाइज किया है, ठीक है। तो ये तो हुआ सारा मेन निकालने का एक तरीका, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है ना, मेन डिवीजन, सॉरी चलिए, इससे पहले हमने अभी तक मीन कैसे निकालते हैं डेटा का वो डिस्कस कर लिया, अब है मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी गिवन डेटा कि उसके मीन से कितना डिफर है, कितना डिफरेंस है उसमें। अब डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, वो डेविएट तो है ही, डिफरेंस तो है ही। तो हमेशा जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन कोई भी डेटा मीन से कितना चेंजेज है, चाहे वो कम हो रहा हो चाहे ज्यादा हो, सिर्फ डिफरेंस देखना उसका कितना है, हमेशा इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है मीन डेविएशन में, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा आपके पास डेटा है ये, ठीक है, और अगर आपने इसका मीन निकाल लिया एक्स बार, ठीक है, मीन निकाल लिया आपने अगर एक्स बार, तो उसका जो मीन डेविएशन होता है वो ये होता है समेशन एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मतलब टोटल डेटा कितना है। अच्छा, अगर डेटा की फ्रीक्वेंसी यदि नहीं है, ठीक है, तो समेशन एफ आई की जगह 1 रख दीजिएगा, ठीक है। इफ एफ आई इक्वल टू 1, डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर जैसे इस तरह से डेटा दे रखा है आपको, तो फिर ऐसे केस में एम डी का ये फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन 1। अच्छा, जितने भी सबमिशन है आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है, 1 टू एन मतलब जितना भी डेटा है, ठीक है। अब ये नहीं लिखते हैं, अगर मान लीजिएगा नॉर्मली क्वेश्चंस में सिर्फ इतना करते हैं तब भी इसका मतलब यही है कि आई की वैल्यू 1 टू एन तक है। अब अगर मान लीजिएगा जैसे 6 डेटा है, तो मतलब यहां पर 1 को आई बराबर अगर 1 टू एन, तो 1 को कितनी बार ऐड करना है एन टाइम्स, 1 को 2 बार ऐड करना है 2, 1 को 3 बार ऐड करना है 3, 1 को 4 बार ऐड करना है 4, तो 1 को n टाइम चेक करना तो क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो अब देखिएगा तो xi और i बराबर भी 1 टू n, ठीक है, या फिर नॉर्मली इस तरह से कह दीजिएगा बोलिंग xi माइनस x बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है n, ठीक है। तो अब आगे का थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जैसे इसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो नॉर्मली फॉर्मूला x बार निकाल लीजिएगा और xi माइनस x बार अपॉन n, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व फिर करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले x बार निकाल लें, तो x बार इसके अंदर तो डायरेक्टली हो जाएगा टोटल जितना भी डेटा है सबका सम xi अपॉन टोटल डेटा है कितना n नंबर ऑफ डेटा, ये कैपिटल n लिख दिया मैंने, तो ये कितना हो गया जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन कितना डेटा हो गया 1 2 3 4 5 6 6, तो ये हो गया 10 11 13 19 अपॉन 6,
इलेवंथ है, ठीक है एक्स बार, ठीक है। तो अब आपको पास हमेशा एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड निकालना है, ठीक है। तो एम डी निकालना है, चलिएगा तो एम डी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, एम डी बराबर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन टोटल डेटा, तो वन अपॉन सिक्स, ठीक है। अब जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह से जो डेटा है, ठीक है, तो डेटा कितना हो गया, जैसे टू माइनस नाइनटीन बाई सिक्स, इसका मोड टू माइनस नाइनटीन बाई सिक्स का मोड प्लस थ्री माइनस नाइनटीन बाई सिक्स का मोड प्लस फाइव माइनस नाइनटीन बाई सिक्स का मोड प्लस वन माइनस नाइनटीन बाई सिक्स का मोड प्लस टू माइनस नाइनटीन बाई सिक्स का मोड प्लस सिक्स माइनस नाइनटीन बाई सिक्स का मोड, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिएगा, तो वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स ये हो गया ट्वेल्व, ये हो गया माइनस का सेवन बाई सिक्स, लेकिन उसका मोड लेना तो वापस पॉजिटिव, प्लस एटीन माइनस का वन बाई सिक्स, ये कितना हो गया थर्टी, थर्टी तो इलेवन बाई सिक्स, सिक्स ये हो गया माइनस का थर्टीन बाई सिक्स, ट्वेल्व तो माइनस का सेवन बाई सिक्स, थर्टी सिक्स हो गया तो नाइनटीन ट्वेंटी सेवनटीन बाई सिक्स, ठीक है। मोड का मतलब नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हमेशा वेरी क्या रखनी, पॉजिटिव तो वन बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स, इलेवन बाई सिक्स, थर्टीन बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स और सेवनटीन बाई सिक्स, तो वन बाई सिक्स, सेवन प्लस वन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस सेवन प्लस सेवनटीन, ठीक है। वो देख लीजिएगा ये कितना हो गया आपके, तो सेवनटीन ट्वेंटी थर्टी थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी एट फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन और सेवन फिफ्टी सिक्स अपॉन ये सिक्स इंटू सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया एम डी, आप चाहो तो डिवाइड कर लीजिएगा टू से काट लेते हैं, ट्वेंटी एट अपॉन सिक्स इंटू थ्री, फोर काट लीजिएगा फोर्टीन अपॉन थ्री इंटू थ्री, तो ये आ गया फोर्टीन बाई नाइन, ये आ गया मीन डेविएशन, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा हो गया मीन डेविएशन, इस तरह से कैलकुलेट करता है जो भी डेटा है, ठीक है। अब और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मान लीजिएगा टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फिर कैसे निकालेंगे, रख कर दूं इसको, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लीजिएगा डेटा कोई फ्रीक्वेंसी के अंदर दे रखा है, या आपके पास एक्स आई डेटा भी दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं टू फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व, टू फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व, थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, वन टू फाइव, ये डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है आपके पास एम डी समेशन एफ आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई, आई की वैल्यू वन टू एन जितना भी डेटा है, वन टू एन, ठीक है, या फिर टोटलिंग होगी, ठीक है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा। अब x बार कैसे निकालेंगे, लेकिन x बार आपके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई,
तो पहले x बार निकाल लेते हैं, तो f x बार निकालना, तो फिर पहले f i x i का भी लो, ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 20 30 8 20 और ये हो गया 60, तो ये हो गया समेशन f i x i, तो कितना हो गया देखिएगा ये 80, ये हो गया 80 20 20 सॉरी 80 20 हो गया 100 130 और 144, और इसको भी देख लीजिए कितना हो गया 120, समेशन एफ आई कितना हो गया 20, ठीक है। तो x बार निकाल लें, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई, फिर देखिए x बार की वैल्यू आ गई आपके पास, x बार आपके पास आ गया 144 अपॉन 20, ये टू से काट दीजिए 72 अपॉन 10, वो काट ले 5 से, तो 36 अपॉन 5 बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आ गया x बार, x बार आ गया आपके पास, तो अब आपको निकालना है देखिएगा xi माइनस x बार, तो xi माइनस x बार, xi माइनस x बार निकाल लीजिएगा, तो xi माइनस x बार हो गया, अच्छा कम होट, तो फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 माइनस, मतलब ये हो गया 2 माइनस 36 अपॉन 5 का मोड, ठीक है, और ये हो गया आपके तो 10 माइनस 26, तो 26 अपॉन 5 दूसरा हो गया 5 माइनस 36 अपॉन 5, तो 25 माइनस 11, 11 बाई 5, ये हो गया 6 माइनस 36 अपॉन 5, 6 upon 5 ये हो जाएगा माइनस का 6 upon 5, लेकिन मोड है पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस 36 upon 5 40, ये हो गया 4 upon 5, ये हो गया 10 माइनस 36 upon 5 50, 14 upon 5 और ये हो गया 12 माइनस 36 upon 5, ये हो गया 60, 60, तो ये हो गया आपके 24 अपॉन 5, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्स आई, लेकिन आपको निकालना एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एफ आई इसका हो, ठीक है, तो सबको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 इंटू 26 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई 78 अपॉन 5, ये हो गया 44 अपॉन 5, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 30 अपॉन 5, आज से इसलिए नहीं काट रहा हूं ताकि सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा लास्ट में, कैलकुलेशन आसान जाएगी, 4 अपॉन 5 28 अपॉन 5 और 120 अपॉन 5, ठीक है, तो अब इनकी टोटलिंग कर ले, तो 1 अपॉन 5 की जगह 1 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, तो आप यहां पे लिख देता हूं मैं, ये हो गया सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटलिंग, यहां पे लिख देता हूं, देखो 1 अपॉन 5 तो एलसीएम आ जाएगा, या कॉमन आ जाएगा, मतलब ये हो गया 78 44 30 4 प्लस 28 प्लस 120, ठीक है, तो 1 बाई 5 ये हो गया देखिएगा 0 8 16 आ गया आपके पास 304 अपॉन 5।
ये क्या आ गया MD। नहीं 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 एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट। यहाँ तक क्या हो गया, ये तो क्या है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आया है आपके पास। तो MD निकालना है, तो MD बराबर क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो 304 अपॉन 5 अपॉन एन कितना है 20, 304 अपॉन ये हो गया 100, 20 या फिर कितना हो गया 3.0, या आ गया MD मेन डेविएशन। ठीक है, अब मेन डेविएशन मीडियन से भी निकाल सकते हैं, तो यहां पे एक्स बार की जगह मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन पे पहले कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। दूसरा डेविएशन जब मान लीजिए मीन से निकालना, तो केवल ये भी डेटा दे सकते हैं, डेटा के अंदर मान लीजिए इस तरह से भी दे सकते हैं कि इंटरवल दे दें। जैसे अगर इंटरवल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कि मीन डेविएशन ही निकालना है, डेविएशन फ्रॉम मीन, तो अगर डेटा ड्रॉप कर दो उसको, अगर मान लीजिए इस तरह से डेटा देते हैं कि एक्स आई की रेंज इस तरह से है कि 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50, और 50 to 60। अगर मान लीजिए ये डेटा दे दिया और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 1 2 3 2 1 4, तो ऐसे केस में भी अगर मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट किसका, मतलब एक्स आई का, वही हमारे लिए एक्स आई काम का है। ठीक है, तो वही 5 15 25 35 45 और 55। अब वापस हमारे वापस वही गीत गाना है, ये डेटा हो गया एक्स आई, ये फ्रीक्वेंसी, वही एक्स बार निकालना है पहले, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, एजेटिक्स है में कोई चेंजेस नहीं, हमारे पास अब डेटा ही इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो मेन इस तरह से भी डेटा दे रखे हैं, तो ये क्लियर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और देखिएगा कि अगर डेटा इसकी बजाय इस तरह से दे देते हैं कुछ बुक्स में कि जैसे 0 से 10, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, एक्स आई इस तरह से दे रखा होता है जहां पर। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर ये वाली जो अपर लिमिट और ये वापस, ये दोनों सेम हो जानी चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे कर लेना। तो इसमें देखिएगा, इसमें तो 0.58 कर दो, इसमें 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसका न्यू इंटरवल में इस तरह से चेंज कर लेना कि जैसे इसके अंदर तो सब्सट्रैक्ट करो तो 10.5 और इसके अंदर 8 करो, ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, तो इसमें भी 8 तो 20.5, मतलब 0.5। अब ये 20.5 से ये हो जाएगा 30.5, 30.5 से 40.5, इस तरह से डेटा को कन्वर्ट कर लेना। अब ये भी कितना हो गया देखिएगा, 0.5 से इस तरह से, तो 40.5 से 50.5 और 50.5 से 60.5, इस तरह से 50.5 से 60.5, और फिर वापस वही एक्स आई मीन निकाल लेना, सॉरी मिड पॉइंट निकाल लेना इनका, और उसके बाद में जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके हिसाब से कर लेना। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि मीन कैसे निकालते हैं, सॉरी मीडियन कैसे निकालते हैं। बस मीडियन निकालना ही बताना, बाकी तो सारी चीज हो गई है। ठीक है, कि अगर मीन डेविएशन निकालना अगर मीडियन से, तो यहाँ पर एक्स बार की जगह मीडियन आ जाएगा। तो डेटा के मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले मैं, हालांकि आपने 10th में पढ़ रखा है, तो एक बार का रिपीट कर देता हूं। मीडियन मीडियन ऑफ डेटा,
डेटा के मीडियन कैसे निकालते हैं इस बात को समझिएगा, देखिएगा। जैसे आपके पास डेटा है 2 1 4 3 5 2 7 1 9, ठीक है, तो अगर इस डेटा का अगर मीन निकालना हो तब तो डेटा को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा डायरेक्ट मीन निकल जाएगा। मीडियन के लिए मीडियन के लिए डेटा को पहले अरेंज करना पड़ेगा, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी फिक्स ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होगा। तो चलो मैं जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं, तो सबसे पहले 1, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में फिर 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में ये 4, फिर 5, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 9, ठीक है। रीअरेंजिंग, तो जैसे इक्वेशन है कि एक्स आई इक्वल टू, ये डेटा दे रखा है और फाइंड मीन, फाइंड मीडियन, सॉरी यार बार बार मीन बोला है, फाइंड मीडियन, ठीक है। तो अरेंजिंग, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, अरेंज करना है। अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपके पास टोटल डेटा है n नंबर ऑफ डेटा, तो मीडियन होती है मिड टर्म, मतलब मिड टर्म। अब मिड टर्म में अब देखिएगा, अगर n ओड है या इवन है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मान लीजिएगा कि 3 डेटा है तो मिड टर्म हो जाएगा सेकंड वाला, ओड नंबर में अगर 5 डेटा है तो मिड टर्म हो जाएगा सेकंड वाला। अगर ओड डेटा है 3 5 तो मिड टर्म होगा, तो मिड टर्म होती है 3 + 1/2, मतलब दोनों सेकंड टर्म। यहां पे देखिएगा n इक्वल टू 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 टर्म, 6/2 थर्ड टर्म, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिएगा मिड टर्म, अगर मान लीजिएगा n ओड नंबर है तब तो डायरेक्टली है, तो एक तो ये लिख सकते हैं इफ n इज ओड, इफ टोटल नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा और नंबर्स कैपिटल एन, तो मीडियन बराबर होती है एन प्लस 1/2 टर्म। कब? व्हेन एन इज ओड। मैं फिर कह रहा हूं एन प्लस 1/2 टर्म ये नहीं है, इस टर्म पे जो नंबर है वो है मीडियन, ठीक है ना। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, जैसे इस वाले केस में जैसे कितना डेटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तो 8 है, ठीक है। जैसे ये कोई एग्जांपल ले लिया कि जैसे अगर मान लीजिएगा 2 1 4 3 और 6, तो पहले अरेंज कर लीजिएगा, देखो 1 2 3 4 6 अरेंज कर लिया। अब n की वैल्यू कितनी है, 5, तो मीडियन हो जाएगी n प्लस 1/2 टर्म। मतलब 5 + 1/2 टर्म मतलब थर्ड टर्म। अच्छा देखो मात्र एक सही हो गए कि थर्ड टर्म की 3 आई है, हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मीडियन भी कितनी आ गई, 3, क्योंकि थर्ड टर्म 3 ही है। अगर मान लीजिएगा ये डेटा इस तरह से हो जाता 11 9, ठीक है, तो अरेंज कर लेते इसको, फिर 9 और 11, अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 7, तो मीडियन क्या हो जाएगी 7 + 1
मतलब फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कौन सी, अब की बार भी देखिएगा एक संयोग बन गया, फोर्थ टर्म भी फोर ही है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्टीन और टेन, तो ये हो गया टेन और थर्टीन, ठीक है। तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन। मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन एन प्लस वन टर्म नाइन प्लस वन टेन अपॉन टू फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म कौन सी हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फिफ्थ टर्म। तो मीडियन क्या होगी, फिफ्थ टर्म मतलब कौन सी है, सिक्स, ये हो गई मीडियन, ठीक है। तो मिड टर्म हो गई। लेकिन अगर n ओड आ जाता है, n इज ओड सॉरी इवन, तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, तो फिर मिड टर्म तो दो होगी, मिड टर्म तो दो होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए, जैसे इस वाले केस में तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब एट की बात करें तो मिड टर्म तो फिर दो होगी। तो देखिएगा इधर से वन टू थ्री फोर, ये दोनों मिड टर्म होगी, तो फिर क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, मीन ले लेना, इन दोनों का मीन ले लेना, थ्री प्लस फोर अपॉन टू जो भी मिड टर्म है, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, एन इवन है ना यहाँ पर, तो कितनी होगी एट, तो फिर मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिएगा ये वाली टर्म तो कौन सी हो जाएगी, फोर्थ टर्म एट है तो एन बाई टू टर्म, और ये कौन सी हो गई, एन बाई टू प्लस वन टर्म। अब इन दोनों का मीन लेना है, बीच में लगा दीजिएगा आप प्लस, प्लस अपॉन टू, ये आ जाएगा फॉर्मूला। जैसे बड़ा सिंपल वे में आप इस तरह से सोचो, देखो देखो मीडियन के लिए इतना रटना नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर इसके देखो आपको ये निकालना है मीन, ठीक है ना, मीडियन निकालना है, मीडियन इन अबव एग्जांपल, एग्जांपल, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, तो मिड टर्म कौन सी होगी, देखिएगा इसी तरह से फॉर्मूला लगा लीजिए आप, तो मिड टर्म निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, जैसे एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी होगी एट, एट प्लस वन नाइन अपॉन टू 4.5, तो 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में टर्म, मतलब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, इन दोनों का मीन लेना है। या फिर आप इससे लगा लीजिए फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 8 बाई 2 प्लस 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन टू, तो एट बाई टू मतलब कौन सी होगी, फोर्थ टर्म प्लस फोर प्लस वन फिफ्थ टर्म अपॉन टू। तो फोर्थ टर्म कौन सी है, वन टू थ्री, ये रही फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कितनी है थ्री, फिफ्थ टर्म कितनी है फोर अपॉन टू, सेवन बाई टू 3.5, ये क्या आ गई मीडियन, m इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ गई मीडियन, ठीक है। तो अगर इस तरह से डेटा है तब तो इस तरह से मीडियन निकालना है, ठीक है। अब अगर वही बस इसमें भी वही है कि मीन डेविएशन निकालना है अगर आपको, अब इसमें भी अगर मान लीजिए पूछ ले कि मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन,
मीडियन। मीन डेविएशन तो इसमें भी एम डी का निकालना है, तो वापस वही टेक्निक हो जाएगी, आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस एम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा एन, जितना भी डेटा है। ठीक है, तो वापस वही गीत गाना है, कोई चेंजेस नहीं है, बस अब की बार मीन की जगह क्या आ जाएगा, मीडियन। मीडियन निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, अब एक मीडियन अगर मान लीजिएगा कॉलम के अंदर डेटा आ रहा आया हुआ, टेबल फॉर्म में डेटा मिला हुआ आपको, तो फिर उसके लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, यहां तक चीज क्लियर? गिवन इन टेबल फॉर्म। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे जैसे क्लास और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि उसके मीडियन निकालना है, फाइंड फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, तो डेटा के अंदर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सपोज क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, क्लास ये नंबर ऑफ क्लासेस दे रखी है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, और 6 7 15, 6 7 15, 16 4 2, 16 4 2। ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी आपको f दे रखी है, जब इसके लिए आपको जब डेटा निकालना है, मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, या जिसको हिंदी में संचयी बारंबारता भी कहते हैं, ये बारंबारता है, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, इसको केवल सी से भी लिखते हैं, और केवल सी से भी लिखते हैं, वो क्या करना है, 6 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 15, 28 28 प्लस 16 हो गया 44, ये हो गया 48, और 48 टू हो गया 50, तो जो समेशन f आता है वो अपने आप के 50 ही बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जब देखना है, सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि n की वैल्यू आई गई, ये हो गया n बराबर 50, समेशन m मतलब ये 50, ये जो टोटलिंग होगी वही, इसी को तो ऐड करते जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको देखना कि n by 2 जब 25, अब यहां पे देखना है कि जो 25 से ठीक ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है यहां पर। ठीक है, तो यहां पे 25 से ज्यादा देखिएगा, यहां तो आ गया 13, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सी में। ठीक है, तो ये इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे लिए अब फॉर्मूला दिखेगा मीडियन का। अब अगर मीडियन फॉर्मूला हो गया एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, एल जो भी आपने इस रोक को बॉक्स में बंद किया है उसकी लोअर लिमिट है, ये हो गई एल। सी इसके ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है सी, यह है यो भी एल, इसके सामने वाली ये होगी एफ,
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एच इंटरवल, क्लास इंटरवल जो भी है वो डेटा का इंटरवल। तो जैसे इस वाले में केस में बात करें तो एन पहले ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एन बाई टू करना है, जो भी वैल्यू आ रही है एन बाई टू, ये देखना है कि उसमें 25 कौन से वाली रेंज के अंदर, जैसे 28 इससे ठीक ज्यादा वाली डेटा कौन सा, जैसे 6 फिर 13 फिर 28 44, तो ठीक ज्यादा डेटा कौन सा है 25, मतलब ठीक इससे पहले वाली है, इसी के अंदर आएगी लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी एफ, जो भी आपने सेलेक्ट किया बॉक्स उसमें जैसे, तो एल की वैल्यू इसमें कितनी हो गई 20 प्लस एन बाई टू 50 बाई टू माइनस सी कितना हो गया, ठीक ऊपर वाले 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी इसके साथ ये 15 इंटू एच, एच कितना हो गया इंटरवल 10, तो मीडियन बराबर क्या हो गया तो 20 प्लस ये हो गया 25 माइनस 13 12 अपॉन 15 इंटू 10, तो 10 से हो गया 2, 10 से हो गया 3, जो 4 ये हो गया 8, मतलब आगे 28, ये आगे मीडियन, मीडियन आगे 28। अब तो वापस वही तरीका है, तो मीडियन आपके पास निकल ही गई, ठीक है, तो अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो वापस वो समेशन एक्स आई माइनस एम एफ आई अपॉन एन या समेशन एफ आई, आई बराबर 1 टू एन, आई बराबर 1 टू एन, ठीक है। तो आपके पास जो मीन है, मीन की जगह क्या करना है, मीडियन लेना है, तो एक्स आई कौन सा लेना है, मिड पॉइंट, जब भी, तो सबसे पहले चलेगा ये तो हो गया, तो आपके पास वो निकालना है तो एक्स आई माइनस एम निकाल लेते हैं, तो पहले एक्स आई निकाल लें मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एक्स आई, ठीक है, तो एक्स आई का मिड पॉइंट कितना हो गया देखिएगा, ये मिड पॉइंट हो गया, मैं इसको इधर से लिख देता हूं, मान लिए तो 5 15 25 35 45 55, ये आ गया एक्स आई, ठीक है, एम आपके पास आएगी 28, तो फिर हम क्या निकाल लेते हैं यहां पर एक्स आई माइनस एम का मोड, तो मतलब क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर देखिएगा क्या लिख देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई यहां ही आ गया एक्स आई माइनस एम, तो 5 माइनस 28 तो माइनस का 23, तो 15 माइनस 28 माइनस का 13 माइनस का 3, तो 35 माइनस 28 ये हो गया 7, ये हो गया 17 और ये हो गया आपके 27, ठीक है, तो ये वापस वही बन गया 23 13 3 7, ये 17, ये बन गया 27। अब निकाल लेते हैं एफ आई और एक्स आई माइनस एम, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई 6 से, ठीक है, तो 138 91, हो गया 45, सुपर 68 54, ये आ गया, ठीक है, तो इसके लिए इसकी टोटलिंग कर लें, ये हो गया समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम की टोटलिंग, ठीक है, इसकी टोटलिंग ये हो गई आपके लिए 50
ठीक है, जो वीक टाइम 08 देख लीजिए, तो भी आप 4 15 20 ठीक है, 508 और N50 आ गया, तो MT कितना आ गया 508 अपॉन 50, ठीक है, ये डेटा आ गया आपके पास, तो उसे डिवाइड कर लीजिए उन्हें, ठीक है, जब भी 5 से डिवाइड करके फिर 10 आगे सॉल्व हो जाएगा,